हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के इस वीडियो में हम आप तक जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं। इस वीडियो में ये क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आप इन सबको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, आप पूरा ये वीडियो देखिए। पूरे वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन कवर किया जो बार बार रिपीटेड हैं किसी भी एग्जाम में, तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए। आप जब आखिरी तक देखेंगे तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस होती है? तो वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। क्यों हीलियम गैस भरी जाती है? क्योंकि यह हीलियम गैस ऑक्सीजन गैस से हल्की होती है, इसलिए हीलियम गैस भरते हैं, ना कि ऑक्सीजन गैस। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ था? क्रिकेट का पहला विश्व कप 1975 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछता है इंडिया ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता, तो 1983 ईस्वी में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। अगला क्वेश्चन है, बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बंकर शब्द गोल्फ खेल से संबंधित है। अक्सर कभी ना कभी एक क्वेश्चन इससे भी पूछ लेता कि कौन सा स्पोर्ट से कौन सी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है, तो ये उसी से है, स्पोर्ट और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी से। तो बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। अगर पूछता है कि बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित, तो बटरफ्लाई स्विमिंग से संबंधित है। इसी प्रकार से अगर पूछता है टी किस से खेल से संबंधित है, टी गोल्फ से कम संबंधित है। तो आपको उन शब्दों को याद रखना जो सामान्यतः नहीं यूज किए जाते हैं। जैसे चाइना मैन किससे संबंधित है? चाइना मैन जो टर्मिनोलॉजी है वो क्रिकेट से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन की सबसे पुरानी सभ्यता का क्या नाम है? तो चीन की सबसे पुरानी सभ्यता का नाम है हान। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ? हैदराबाद मुसी नदी के किनारे बसा है। आपको सभी इंडिया के इम्पॉर्टेंट शहर और उनसे इम्पॉर्टेंट नदियां और उनके किनारे बसे शहरों को याद रखना। जैसे पूछता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। हरिद्वार गंगा के किनारे बसा है। इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती के संगम के किनारे बसा है। पटना गंगा के किनारे बसा है। कानपुर गंगा के किनारे बसा है। लखनऊ गोमती के किनारे बसा है। जौनपुर गोमती के किनारे बसा हुआ है। और पूछता है कि सूरत सूरत किस नदी के किनारे बसा, तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और पुणे पुणे किस नदी के किनारे बसा, तो पुणे मुथा के नदी के किनारे बसा है। इस प्रकार से आपको जो मेन इंपॉर्टेंट शहर हैं इंडिया के और उन और उनको याद रखना कि वो किस नदी के किनारे बसे हैं, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। और इसे पूछता है कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा, तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे बहुत ही क्वेश्चन हैं बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैसूर एक्सप्रेस क्रिकेट के किस खिलाड़ी को कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा श्रीनाथ। श्रीनाथ को मैसूर एक्सप्रेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब होता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एशिया की रोशनी किसे कहते हैं? तो एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहते हैं, सॉरी गौतम बुद्ध को एशिया ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जापान की करेंसी का क्या नाम है? तो जापान की करेंसी का नाम है एन। एक वीडियो में आप तक लाएंगे जिसमें सभी देश इंपॉर्टेंट देशों की करेंसी को कवर करेंगे और उसकी कैपिटल यानी कैपिटल और करेंसी दोनों को कवर करेंगे। वो जल्द ही वीडियो आप तक मिल जाएगा। आपको ये जरूर याद रखना कि इंपॉर्टेंट जो कंट्री है उनकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। जैसे चाइना की करेंसी पूछता, चाइना की दो करेंसी है, एक है युआन एक है रेननबी। चाइना की राजधानी क्या है? अगर बीजिंग। और अगर पूछता है कि इंग्लैंड की राजधानी क्या है, तो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। अगर पूछता है कि उसकी करेंसी क्या है, तो करेंसी करेंसी है, सॉरी एक मिनट, सॉरी इसमें याद नहीं आ रहा। अगर पूछता अमेरिका, अमेरिका की करेंसी है डॉलर। और अगर पूछता कनाडा, तो कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर। इसी प्रकार अगर पूछता नेपाल की करेंसी, तो नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपी। पाकिस्तान, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपी। और सेचलस, सेचलस की सेचलस रुपी। और अगर पूछता है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की करेंसी है रांड। और इसी प्रकार अगर पूछता है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की करेंसी ढाका। तो आपको उन सभी मेन इंपॉर्टेंट कंट्री के करेंसी और उनकी कैपिटल याद रखना। इस पे मैं आप तक एक वीडियो भी लाऊंगा जिसमें मैं पूरा ट्रिक के साथ कवर कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? उत्तर हो जाएगा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है, तो ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद भारत से महान हॉकी के खिलाड़ी हुए हैं, इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो ध्यानचंद जी के नाम पे स्टेडियम बना, वो कहाँ बना, लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चमत्कारी सचिन के लेखक कौन है, चमत्कारी सचिन एक पुस्तक है, उसके लेखक हैं लोकेश धानी। अगला क्वेश्चन है सात टापुओं का शहर कौन सा है, सात टापुओं का शहर मुंबई को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग की मीरा कौन है, उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है एक हिंदी की महान कवित्री थी, इनको कहते हैं आधुनिक युग की मीरा। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, उत्तर हो जाएगा पटाना। पटाना श्रीलंका के घास के मैदान को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नॉन स्टिक रसोई के बर्तन में किसकी परत चढ़ाई जाती है जिससे कि कोई मटेरियल उसमें चिपके ना, उत्तर हो जाएगा टेफ्लान। टेफ्लान की परत को चढ़ाते हैं नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। अगला क्वेश्चन है न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा का क्या नाम है, उत्तर हो जाएगा नार्वेस्टर। नार्वेस्टर नाम की हवाएं बहती हैं उच्च पर्वतों से, ठंडी एवं गर्म। अगला क्वेश्चन है अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, उत्तर हो जाएगा राल फिच। राल फिच नामक का प्रथम अंग्रेज था जो अकबर के दरबार में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है पुस्तक मदर इंडिया के लेखक कौन है, तो पुस्तक मदर इंडिया के लेखक कैपरीन मेयो हैं, जो कि एक विदेशी राइटर हैं और एक फीमेल हैं। अगला क्वेश्चन है देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई, तो देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है वाटरलू कहाँ स्थित है, उत्तर हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम में वाटरलू स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, उत्तर हो जाएगा अजीत बजाज। अजीत बजाज ने उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव की प्रथम बार भारत एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रथम बार यात्रा की। अगर पूछे उत्तरी ध्रुव पर प्रथम बार किसी भी विश्व का पहला व्यक्ति कौन पहुंचा, तो उत्तरी ध्रुव पर विश्व का पहला व्यक्ति रॉबर्ट पेरी पहुंचा। अगला क्वेश्चन है पटाखा किस देश की मुद्रा है, उत्तर हो जाएगा मकाऊ देश की। मकाऊ देश की मुद्रा का क्या नाम है, उत्तर हो जाएगा पटाखा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय काफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय काफी अनुसंधान संस्थान बाले हनूर कर्नाटक में स्थित है। केंद्रीय काफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बाले हनूर कर्नाटक। आपको सभी रिसर्च मेन मेन रिसर्च सेंटर और वो कहाँ स्थित हैं आपको याद रखना, जैसे सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो सेंट्रल आलू यानी कि पटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में स्थित है। सेंट्रल रिसर्च ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो सेंट्रल रिसर्च ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। और पूछे केंद्रीय दलहन इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय दलहन इंस्टीट्यूट कानपुर में स्थित है। इसी प्रकार आपको मेन मेन जो भारत के रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको याद रखना और वो कहाँ स्थित है। अगर पूछा कि भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। आपको सभी मेन इंपॉर्टेंट अनुसंधान संस्थान और वो कहाँ स्थित याद रखना। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1976 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा की गई, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, उत्तर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जब भारत में 1976 ईस्वी में आपातकाल की उद्घोषणा की गई, तो उस समय वो भारत के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं वो कौन से, उत्तर हो जाएगा एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला भारत के कैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आपको पता होना चाहिए अगर भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित है किसी कारणवश, तो उस समय जो राष्ट्रपति का कार्य करता है कार्यभार संभालता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अगर भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं किसी कारणवश, तो उस समय जो देश का राष्ट्रपति होता है तो वो होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर किसी कारणवश देश में भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तीनों अनुपस्थित हैं, तो उस समय जो भारत का राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर मोस्ट जज। अगला क्वेश्चन है रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है। अगर पूछता है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है।
इसी प्रकार को आपको सभी देश और उनसे इम्पॉर्टेंट जो राष्ट्रीय खेल है याद रखना। जैसे पूछता है कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फीफा है। अगला क्वेश्चन है, वेरा मोंचिक कप किस खेल से समय दिया जाता है? उत्तर हो जाएगा शतरंज। शतरंज खेल में वेरा मोंचिक कप दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा शतरंज से। शतरंज से परिमार्जन नेगी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा है। परमवीर चक्र जो है वार टाइम यानी कि युद्ध के समय इंडियन मिलिट्री यानी कि डिफेंस सिस्टम में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा अपदस्थ किए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा बीपी सिंह। बीपी सिंह भारत के वो प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनको संसद द्वारा हटाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहली मार्क्सवादी क्रांति कहाँ हुई? तो पहली मार्क्सवादी क्रांति रूस में हुई। किसने की? उत्तर हो जाएगा लेनिन ने। लेनिन ने पहली मार्क्सवादी क्रांति कहाँ की? रूस में। ये आज के थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 से 35 करंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन यानी कि सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि एक क्वेश्चन इस वीडियो से जरूर फंसेगा। और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब वीडियो अगला लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।